आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड से ग्राम पंचायत सिंगियान वार्ड नंबर 10 के पैक्स अध्यक्ष आशीष कुमार जी की किसानों से अपील है कि अपना धान पैक्स अध्यक्ष को ही दे, ताकि किसानों को सरकारी लाभ पैक्स द्वारा उचित मूल्य पर मिल सके। पैक्स अध्यक्ष किसानों से अपील कर रहे हैं कि धान में मिट्टी और धूल कण ना हो और 17% धान में नमी हो। जो किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसी किसान का धान खरीदा जा सकता है, और जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पैक्स अध्यक्ष आशीष कुमार किसानों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि पैक्स द्वारा किसान लाभ ले सके। हम सभी पैक्स अध्यक्ष की सरकार से अपील है कि हर प्रखंड में राइस मिल जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। सिंगियान पंचायत की सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिया से मोहम्मद नौशाद की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। और जी आप अपना परिचय बताइए। आशीष कुमार जी, पैक्स अध्यक्ष सिंगियान पंचायत प्रखंड मुरलीगंज मधेपुरा जी। चेयरमैन साहब, आप जो किसानों से धान जो खरीदारी कर रहे हैं, किस रेट से आप धान खरीद रहे हैं? ये भारत सरकार का समर्थन मूल्य है 1940 रुपये प्रति क्विंटल जी, और उसमें कुछ 10 रुपये प्रति गनी बैग का भी आता है, तो कुल मिलाकर 1965 रुपये प्रति क्विंटल किसान को भुगतान किया जाता है जी। और अभी फिलहाल जो है धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है जी, और किसान से एक अपील हम करेंगे कि आप पैक्स में ही धान बेचें, ताकि आप सरकार द्वारा अधिप्राप्ति योजना का लाभ ले सकें। लाभ ले सके। चेयरमैन साहब, आपको जो किसानों ने धान जो दे रहे हैं पैक्स में, क्या साफ सफाई धान दे रहे हैं? जो सरकार का जो नियम है 17% नमी होना चाहिए धानों के अंदर, क्या ये सब आपको धान उपलब्ध कर रहे हैं किसान साथ? किसान को सबसे पहले हम घर घर जाके ये उसको अवगत कराते हैं कि आप जो है साफ सुथरा धान दीजिए, जिसका कि 100% सीएमआर तैयार हो सके जी, और उसमें साफ सुथरा लाइए, पेपर अपना सारा जो है कागजात दीजिए। तो किसान बहुत हद तक जो है साफ सुथरा दे रहे हैं, कुछ जिसके पास समस्या है तो वो साफ करवा करके, थ्रेशरिंग वाला जो होता है उसमें कुछ डस्ट वगैरह रहता है ककड़ी सब, वो सब तैयार करके वो लोग दे रहे हैं। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे चेयरमैन जी, आप जो धान ले रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उन्हीं का धान ले रहे हैं कि जो नहीं भी कराए उनका भी ले रहे हैं? नहीं, वो पोर्टल पर जो है सहकारिता विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन का भुगतान संभव नहीं है। नहीं। तो जो नहीं किए हैं तो उनको कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, पेपर लाइए, उसके बाद हम आपका धान लेकर के आपको भुगतान करेंगे जी। सर, पेमेंट कितने दिन में आप रिकवरी करते हैं? पेमेंट तो देखिए 4-5 रोज में हो जाता है, वैसे सरकार का तो ऐसा है कि 48 घंटे, लेकिन कुछ नए किसान में कुछ वेंडर वगैरह का प्रक्रिया होता है जो पूर्ण करने में 4-5 दिन में हो जाता है, समय लग जाता है जी। आशीष जी, आप जो किसानों के प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से किसानों को कुछ जानकारी भी दीजिएगा सर। देखिए, किसान तो धान अधिप्राप्ति के बारे में अवगत हैं ही, और जो एक बार धान पैक्स में बेचते हैं वो हर संभव थोड़ा इंतजार करके भी पैक्स से लाभ लेते हैं, और जो सब नए नए सब आ रहे हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।